किस तरह कितनी कम उम्र का नौजवान जो भगत थे, जैसे कि सब जानते ही हैं कि इतनी कम उम्र में जो उनकी समझ थी और जो उनका अध्ययन था वो बहुत आमतौर से स्कूल कॉलेज में हम लोग जो पढ़ते आते हैं, भगत सिंह तो एक जोशीले क्रांतिकारी के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन भगत सिंह जो एक राजनीतिक क्रांति के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक क्रांति के भी वो अनुकूल थे। उन्होंने कई बातें उस समय जिनको महत्वपूर्ण कही थी कि तर्क पढ़ने के लिए करना, मतलब अध्ययन इसलिए करो ताकि आप लोगों से तर्क कर सके, विचारों को और मजबूत कर सके। उतनी कम उम्र में जब उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए जब ले जाया जा रहा था तो वो ज्यादातर लोग जानते हैं कि लेनिन की किताब वो राज्य और शांति पढ़ रहे थे। तो एक क्रांतिकारी की स्पिरिट तो होती है, उन्होंने देश के सारे आजादी की लड़ाई में तो सारे लोगों से संपन्न था ही, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में उन्होंने मास्को में भी लेटर लिखा था लेनिन। वो इतनी कम उम्र के नौजवान की इतनी समझ जो आज भी अपने तो बहुत सोचने की चीज रखती है, जब फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई तो उन्होंने कहा अंग्रेजों से कि मुझे राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए, फांसी पे नहीं चढ़ाया जाए, मुझे गोली मार दी जाए। एक तरफ तो भगत सिंह थे और दूसरे तरफ सावरकर जैसे लोग भी थे, फिर वह वीर कहा जाता है जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, और एक तरफ दूसरे ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो माफी मांगना तो दूर बोलते थे हमें गोली मार। लेकिन अब वो जो उस संदर्भ में उन्होंने भगत सिंह ने जो सांप्रदायिकता पे नहीं लिखा, मैं नास्तिक को लिखा, जब नास्तिकता की बात करना भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था, धर्म के विरोध में अभी भी कोई बोलने का साहस नहीं करते, इस साहस के साथ उन्होंने तब लिखा, सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखा, जात पात के खिलाफ लिखा। तो वो एक नैरेटिव था पूरा, आजादी की लड़ाई सारे लोगों की, वो जो राष्ट्रवाद था आजादी की लड़ाई का जो राष्ट्रवाद था वो सही और सच्चा राष्ट्रवाद था, जिसमें सारे धर्म जाति के लोग सारे वर्ग के लोग एक साथ उसमें शामिल थे। वो लोग जो उस लड़ाई में शामिल नहीं हुए अब देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पार्ट पड़ा है। तो ये इतिहास को इस संदर्भ में भी आज के समय में समझना जरूरी है कि किस तरह से जो लोग पढ़ते नहीं है वो उनको गलत संदर्भ में पेश करते हैं। और ये भी आजकल सबसे बड़ा इतिहास को समझने का खराब दौर ये चला हुआ है कि व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए पूरा इतिहास समझ लेना चाहते हैं। आप देखेंगे उसमें जो भी गलत जानकारी दी जाती है उसको अपने से क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश नहीं होती, हम पढ़कर सोचें कि ये हमको जो एक झूठी बात उसमें प्रचारित की जा रही है तो क्या है। जैसे आजकल ये दौर चला हुआ है कि संघ परिवार के लोग ये आपत्ति उठाते हैं कि भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो अंग्रेजों ने नहीं की, उनको नेहरू और गांधी की से फांसी दी है, तो उनके कारण वो फांसी पे चढ़ते हैं। ये भी संदर्भ को ना समझना, इतिहास को ना समझना, सही पर्सपेक्टिव में पूरे हिस्ट्री को नहीं देखना, गांधी की सोच को नहीं समझना, भगत सिंह की सोच और विचारधारा वो तो वही खूबसूरती थी जो हमारे देश की जो यूनिक है पूरी दुनिया में, हमारा देश इसीलिए कि विविधता है, विचारों की विविधता है। गांधी जी के विचार अलग थे, भगत सिंह के विचार अलग थे, लेकिन वो एक एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। ये सारी चीजें थी। फिर देखेंगे कि जो आजादी की लड़ाई में कौमी तरानों का बहुत बड़ा रोल रहा है, सब कुछ नज़्मों की एक पूरी किताब है, तो लोग गीतों और कविताओं के माध्यम से भी उसका विरोध कर रहे थे। आज भी हम जो कविता पोस्टर लगाए हैं उसमें यही कोशिश है कि आज के समय में सवाल उठाती कविताएं आज के समय को व्याख्यायित करती हुई कविताएं, उस तरह की कविताएं लेकर हम सामने आए। तो ये काम अरुण दो तीन साल से लगातार कर रहे थे। अरुण काठवटे एक चित्रकार कलाकार तो है ही, लेकिन कविता पोस्टर पर इन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत है।
एक लंबे अंतराल के बाद तुमने सुंदर कविता पोस्टर हमको देखने मिलेंगे। ये लंबा अभी और आलोक की बोलेंगे, बताएंगे किस तरह से ये एक आंदोलन की तरह शुरू हुआ था। कविता पोस्टर लगभग 80 के दशक में, 80 के दशक के आसपास कविता चौराहे में इस नाम से शुरू किया गया था, जिसमें आलोक थे, अरुण थे, जैन भी उसमें थे। भगवत रावत जैसे बड़े कवि ने उद्घाटन किया था। तो जैन संघ चौक में एक किताब की दुकान हुआ करती थी, बोटक, उसके ऊपर वो लगा करता था कविता पोस्टर। उसको पढ़ने वाले लोग बहुत संख्या में, नए लोग पढ़ते थे, हम लोग भी नए थे, हम लोगों को भी कविताएं बड़ी अपील करती थी, नए लोगों को, कॉलेज से जो पढ़ते थे। एक कविता हर हफ्ते लगती थी, बड़ा पोस्टर होता था, लोग उसको पढ़ते थे। वो फिर से शुरू करना चाहेंगे, चौराहों बनना है। तो आप देखेंगे कविता का जो एक आमतौर से जो साहित्य कविता भौतिक वर्ग तक है, वहां से निकलकर आम लोगों तक जाए वो साहित्य, ये कोशिश कविता के पोस्टर के माध्यम से थी, जो बहुत सफल हुई। क्योंकि कविता आप देखेंगे जो जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी आर्ट फॉर्म है, उसकी कविता एक इनर स्पिरिट। दुनिया का कोई आर्ट फॉर्म नहीं है जिसमें कविता ना हो। रंगमंच तो एक कविता के साथ जुड़ता ही है। सारे पद्य फॉर्म पे क्लासिक नाटक लिखे गए। तो ये जो एक रंगमंच पर जितना मैंने करते हुए देखा है, कविताओं के माध्यम से जितना रंगमंच समझ में आता है, वो वही इनर स्पीड की तरह होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत से बड़े एक्टर्स ने यह भी बात कही है कि उनके एक्टिंग के बारे में जब पूछा गया कि बहुत अच्छा एक्टर कौन होता है, तो उन्होंने कहा, जो अपनी दिलीप कुमार ने भी कहीं इंटरव्यू में कहा था कि एक्टिंग का उसका राज यह है कि वो पोएट्री का शेर व शायरी, पोएट्री, कविता, इसको अच्छा अभिनय। तो जो एक्टर कविता समझता है, वो शब्दों का महत्व समझता है, उसका रिदम समझता है, उसका अर्थ समझता है, तो वो अच्छा एक्टर होगा, वो अच्छा रंगमंच का भी कलाकार होगा। तो एक कला माध्यम में रहते हुए अरुण काठवटे ने जिस तरह से कविताएं बनाई, चित्रांकन किया, ये बहुत बड़ा योगदान है। और ये परंपरा अरुण के पिताजी भास्कर काठवटे जी जो थे, वो भी बहुत बड़े कलाकार थे, रंगमंच से जुड़े थे, हम उनको भी याद करेंगे कि वो उनकी परंपरा, उस परिवार की परंपरा थी कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। जो रंगमंच की सेट डिजाइन भी किया करते थे, रंगमंच से जुड़े रहे, और अरुण भी कविता पोस्टर के अलावा रंगमंच से भी जुड़े होते हैं, सेट डिजाइनिंग का काम भी करते हैं और लाइटिंग का काम भी करते हैं। ये सारी चीजें थी जो मैं संक्षिप्त में आपको बताया, अब आगे जैसा बताएंगे। साथियों, जैसा कि यहाँ कविता पोस्टर केदारनाथ जी की कविता लगी हुई है, एक चुप्पियां बढ़ती जा रही है लगातार, और वहां भी जहाँ बोलना बहुत जरूरी था, इस चुप्पियों के खिलाफ ये कविताएं आपके सामने प्रदर्शित की गई है। और यहाँ लगभग 17 कविताएं हैं, और उन कविताओं में मैं बताता हूँ कि जब पोस्टर बनती है कविता तो फिर क्या आता है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिन पे पोस्टर बनी होगी वो पास की कविताएं थी, और मारे जाएंगे शीर्षक कविता नारे की तरह चलती थी। जब अरुण काठवटे जी ने मारे जाएंगे कविता का पोस्टर बनाया और व्हाट्सएप पे डाला, तो हमने उसको मारे जाएंगे देख के बंद कर दिया। हमारे साथी बैठे थे, उसको मारे जाएंगे देखे तो चलो इसमें तो बनती रहती है, लेकिन चूंकि बंद तो कर दिया, जब बाहर आए तो फिर बोले। तो उसमें जब देखे कि जिस तरह से उसने भगवा को उस मारे जाएंगे लगाया था, और जिस तरह लोगों ने रंगों को बांट दिया है देश के राजभक्ति के नाम में और सामुदायिकता के नाम में, तो नए सिरे से कविता को लाते हैं मारे जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि हर चेहरे में छिपे हैं 10-20 चेहरे, जिसे भी देखना है कई कई बार देखो। तो इन कविताओं को और इन पोस्टर को मुझे लगता है कई कई बार देखने की जरूरत है। साथियों, अब एक चीज मैं बताना रह गया था कि हमारे आज के इस कविता पोस्टर के जो उद्घाटन के लिए जीवन नेतू जी को विशेषता कलाकार से बुलाया गया था, मैं उनके लिए ताली बजाने की। सबसे पहले जैसे कि एकता के कार्यक्रम की और जनवादी कार्यक्रमों की जो परंपरा होती है, मैं इस यात्रा के बारे में मीनाथ जी ने बताया, उसके आगे मैं जनगीत के लिए एकता के साथियों को आमंत्रित करता हूँ। तक टाकर उसके बाद क्या शिक्षा के अनुसार
तेरे बोल के लब आजाद तेरे बोल के लब आजाद तेरे बोल जुबान अब तक तेरी है बोल जुबान अब तक तेरी है तेरा सुतवा जिस्म है तेरा सुतवा जिस्म है तेरा बोल के जा अब तक तेरी है वो बोल के लब आजाद तेरे बोल के लब आजाद तेरे बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जुबा की मौत से पहले बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जुबा की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक बोल के सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले बोल जो कुछ कहना है कह ले बोल जो कुछ कहना है कह ले बोल बोल के लब आजाद तेरे बोल के लब आजाद तेरे देख के आहन घर की दुकान में सुंद है सोने सुर्ख है आहन देख के आहन घर की दुकान में सुंद है सोने सुर्ख है आहन खुलने लगे कुफलों के दहाने खुलने लगे कुफलों के दहाने फैला हर जंजीर का दामन फैला हर जंजीर का दामन फैला हर जंजीर का दामन बोल बोल के लब आजाद तेरे बोल के लब आजाद तेरे बोल जुबा अब तक तेरी है बोल जुबा अब तक तेरी है तेरा सुतवा जिस्म है तेरा तेरा सुतवा जिस्म है तेरा बोल के जा अब तक तेरी है बोल बोल के लब आजाद है तेरे बोल के लब आजाद है तेरे बोल के लब आजाद है तेरे बोल की लब आजाद है तेरे इन चुप्पियों के खिलाफ आजाद लबों से बोलने की सख्त जरूरत है हमारे इस जनगीत में आपने सुना इसके बाद मैं डॉक्टर आलोक वर्मा को बुलाता हूँ वो बताएं कि इन पोस्टरों को बनाने के पीछे क्या क्या बात थी और उनको गाँव में क्या कहना चाहते हैं आलोक वर्मा आज 23 मार्च का दिन है और आज का दिन जैसा कि काफी मेहनत सबने बताया कि 23 मार्च भगत जी का दिवस है याद करते रहोगे आज मैं इस दिन याद करना चाहूँगा क्रांतिकारी का भी पास हो अकालकालीन पास हो जिसकी वालिस्तानी आतंकियों ने आज के दिन 1988 में हत्या की थी तो सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदी कविता में और विश्व कविता में अन्याय और विषमता के विरुद्ध प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है अगर विश्व कविता में हम देखें तो पाब्लो नेरुदा मायकोवस्की नाजी हिटलर से लेकर ब्रेक और तमाम कवियों की कविताएं हमें याद आती क्योंकि आज भी जरा कथा कई जगह उपलब्ध हिंदी कविता में प्रतिरोध की कविता की जो परंपरा है जो भगत सिंह जी की साधक और अकादमी पास की परंपरा का सार्थक है वह सांस्कृतिक स्तर पर कवियों ने किया नाटकों ने किया तो हम ये देखते हैं कि अंधेरे समय में अंधेरे के खिलाफ प्रतिरोध आजादी के बाद मुक्तिबोध जी की एक लंबी कविता आई अंधेरे में और जिसका प्रतिबोधन हम आज कहते समय में देश में देखते हैं जो आशंका उन्होंने उस समय व्यक्त की थी वो रूबरू हमें यथार्थ में अपने आस पास चार मोड़ दिखाई अब ये सवाल होता है कि ये जो कविताएं होती हैं ये पत्रिकाओं में अखबारों में पुस्तकों में आती हैं और इनमें यद्यपि हमारे जीवन का समाज का समय का सत्य रहता है लेकिन वो बहुत कम पाठों तक पहुंच पाता है तो ये जरूरत महसूस हुई कि इस कविता के मैं अंतर नहीं साथ व्यापक समाज के पास में पहुँचाया जाए कि तनाव और बेटरी बराबर सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं में बनी रही और देश भर में
फिर कविता पोस्टर का समय आया। कविता पोस्टर की जहां बात सामने आती है, हम देखते हैं जितनी कलाएं हैं उनमें एक पारंपरिक संबद्धता रही है। मतलब कविता में संगीत भी होता है, कविता में कई चीजें होते हैं, और जो तो नाट्य निर्देशक हैं हमारे यहाँ, जैसे हम रायपुर में भी देखेंगे तो विनाथ हैं, राजकुमार हैं, उन्होंने कविताओं को लेकर नाट्य प्रदर्शन में बहुत अच्छे और सार्थक प्रयोग सामने लाए हैं और अभी भी ला रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यह है कि इन कविता पोस्टरों को देखते हुए, इन कविताओं के साथ उपस्थित रंगों को, मानव आकृति को, चित्रों को, रेखाओं को भी ध्यान से देखा जाए, क्योंकि दोनों की संगति में हम अगर कविता का पाठ करेंगे तो कविता अपने समग्र प्रभाव में हमारे बीच आएगी। एक सार्थक कविता की अनुभूति बहुत देर तक हमारे पास रहती है, और हम ये चाहते हैं, और अरुण का यही मानना था कि वह कविता किताबों और पत्रिकाओं में बंद होने के लिए नहीं है, उस कविता को समाज के व्यापक वर्ग के पास पहुंचना चाहिए। साथ ही अरुण काठो ने कविता पोस्टर से और कविता से उनका लगाव बहुत पुराना रहा। मुझे याद है कि वो संभवतः 84 का समय रहा होगा, देशबंधु का रविवार निकाला था, और उसमें अरुण काठो के हर सप्ताह एक कविता डालते थे। वो समय था जब पढ़ाई की भी नियमित कॉलम लिखा करते थे उनकी पढ़ाई से, और देशबंधु का और रविवार का अंक तो पूरे प्रदेश भर में लोग उसकी प्रतीक्षा किया करते थे, और जिस रविवार को जो अंक आता था उस पर लोगों की बातचीत मुखबरों में और जगहों जगहों पर लोग करते नजर आते, बहुत ही पॉपुलर समय, और उस समय उत्साह और जुनून चारों तरफ सांस्कृतिक स्तर पर भी दिखाई देता था। प्रगतिशील लेखक संघ की जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर गोष्ठियाँ हुआ करती थी, इतना की अपनी सक्रियता बनी हुई थी, और पूरे प्रदेश भर में